हेलो फ्रेंड्स, 1000 किलोमीटर्स, 5 सिटीज और 5 डेज हमने अपना राजस्थान का ट्रिप पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इन 5 दिनों में हमने जो खाया, जहाँ रहे, क्या क्या जगह घूमे, ये सब हम आपको आगे के ब्लॉग्स में शेयर करेंगे। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं इस वक्त ट्रेन में क्यों बैठी हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा पूरा राजस्थान का जर्नी खत्म हो चुका है और अभी हम लोग बैंगलोर की जगह ऑन द वे मुंबई में है। चलिए शुरू करते हैं हमारे राजस्थान का ब्लॉग, जो बेसिकली फर्स्ट टाइम खाली मंदिर पे ही बेस्ड था, पर आगे के जो ब्लॉग्स होंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, तो हमारे साथ बने रहना। पता है, मैं और पीकू तो प्लेन के जर्नी के लिए बहुत एक्साइटेड थे और हमने बहुत सारी प्लानिंग भी करके रखी थी, बट हमारा पूरा प्लेन का जर्नी खाली विंडो सीट में लड़ाई में ही गुजर गया। कितना बड़ा बेड है। रूम अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा। और उधर टीवी भी है। और यहाँ पे ना फ्री में टूथपेस्ट है, फ्री में सोप है, फ्री में शैम्पू है, ठीक है, हाँ, फ्री में डांस है, फ्री में पानी है। फायदा है कि बहुत सब कुछ फ्री में मिल जाता है। और पता है मेरे को इस रूम में एक चीज सबसे अच्छी क्या लगी, वो है ये एक्स्ट्रा बेड। क्योंकि कभी भी कोई भी ट्रिप होता है ना, हमेशा ये एक जो बड़ा वाला बेड होता है उसमें मम्मी, पापा, छोटू, पीकू और मेरे को हमेशा नीचे फ्लोर पे एक एक्स्ट्रा बेड मिलता है, मेरे को वहाँ पे सोना पड़ता है। तो ये बात तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि पहली बार मैं ट्रिप पे आई हूँ और मेरे को बेड पे सोने को मिल रहा है। क्योंकि जब से ये लड़की और वो पैदा हुआ है ना, तब से मैं आज तक बेड में नहीं सोई हूँ किसी होटल में, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। कुछ भी एक दिन करने का, तो वो बहुत बड़ा था, तब हम लोग प्लानिंग किए थे कि नीचे बेड लगाएंगे, बट वो बेड काफी बड़ा लगा, इसलिए सो गए। ठीक है, ये सेकेंड टाइम होगा। अभी हम लोग मंदिर पहुंच गए। फ्रेंड्स, आज है डे वन और आज मम्मी पापा ने हमारे लिए बहुत सब कुछ प्लान किया, तो देखते हैं हम खा जाते हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत मस्त। अच्छा लगा? अब देखो इसके नीचे भी कहीं जाती है, देखो आओ, देखो क्या है, चलो। हेलो। क्या है नीचे? मंदिर है। वो ऊपर दिख रहा है ना, छोटा सा, दो दो घर अभी है। हाँ, ये वाला देखो, हम लोग यहाँ पे चढ़ने वाले, हमको एक घंटे लगेगा। मैं तो शोर हूँ, मेरा पाँव दुखने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा शहर दिख रहा है। हम लोग है ना, वो जो रास्ता है उस रास्ते से आए हैं और हम लोग इतना ऊपर पहुंच गए। ये व्यू इतना ऊपर से सच में बहुत अमेजिंग लग रहा था। फ्रेंड्स, हम लोग गाड़ी से आए, बट यहाँ पे सीढ़ी से जाने का भी रास्ता है। मैंने एक चीज इस ट्रिप में नोटिस की कि छोटू तो एनिमल से बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। छोटू ने तो उस गोट को पत्ता भी खिला दिया, बट हम लोग सिर्फ डरते ही रहे। हमने कोशिश की बट फिर भी हमसे नहीं हुआ, हम लोग बहुत डर रहे थे। फ्रेंड्स, हमारा राजस्थान आने का एक मेन मोटिव था, वो था छोटू का मुंडन।
क्योंकि देखिए पहले छोटू ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है। हमने तो स्कूल्स में पढ़ा था कि राजस्थान में ड्राई होता है, ऐसा नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे वाटर बॉडीज थे और पानी बहुत क्लियर था। फ्रेंड्स देखो हिरन कितने सारे हैं। अभी हम जा रहे हैं गौशाला। मामा इनकी जीप इतनी लंबी है। देखो छोटू और एनिमल्स का तो अलग ही रिश्ता है। हाँ छोटू कितना फ्रेंडली है एनिमल्स से। क्या है? क्या है? This is cow. ये क्या है? अच्छा cow. छोटू क्या है? Cow. दीदी cow. दीदी cow. क्या छोटू? Cow. Cow क्या किया? Cow. Cow कैसे बोला? Cow. डांट डांटा है ना? एक कबर के. पीकू को डर लग रहा था, पीकू अंदर ही नहीं गई। हम लोग पूरा करके आ गए, ये बाहर ही खड़ी थी, इसको अंदर आना ही नहीं था। अभी गुस्सा आई है, किसी से बात ही नहीं करेगी। और ये सबसे ज्यादा फ्रेंडली हो गया था काऊ से। सबसे ज्यादा मजा तो छोटू ने ही किया यहाँ पे। फ्रेंड्स आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत एक्साइटिंग था। अभी रात के 11 बज चुके हैं, हम लोग एक नए शहर और एक नए होटल में रुक चुके हैं। और ये होटल इतना सुंदर है कि मैं क्या बताऊं। आप एक बार इस होटल का नाइट व्यू देखिए। बेसिकली राजस्थान में इतने हवेली है कि ये सारे जो हवेली है ना अभी होटल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस होटल का टूर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। इस तरह हमारे साथ बने रहिए, बाय। अरे रुको, दिन खत्म कैसे होगा जब तक बहुत सारे फोटोज ना खींच ले।